सिंपति के नाम पर वोट डालने का खामियाजा सबसे ज्यादा अगर किसी ने भुगता है तो वो आप लोगों ने भुगता है। किसी के वालिद अस्पताल में है, किसी की माँ अस्पताल में है, आपको रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिलता। एमएलए साहब आप बेंगलुरु में बैठी हुई है। मेरे वालिद ने मुझे कहा, नासिर तुझे चमचागिरी करने के लिए सियासत में नहीं छोड़ा हूँ, लड़ना अवाम के लिए, लड़ना गरीबों के लिए, लड़ना सीट बचाने के लिए वोट मत दीजिए, आपका वोट फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले के लिए दीजिए, अपने आवाज को बुलंद करने वाले के लिए दीजिए। यह मुल्क हमारा है, हिंदुस्तान को आजाद करने वाले हम हैं, हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देने वाले हम हैं। हमारी जामिया मस्जिद के बाहर आकर के माइक निकालेंगे। जवरगी का आदमी यहाँ पर आकर के इतनी जुर्रत करेगा? सियासत में हूँ इस वजह से हूँ कि मिल्लत के लिए आवाज उठा सकूँ, सियासत में हूँ इसलिए हूँ कि फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला कर सकूँ। This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. आज की ये रैली गुलबर्गा शहर की एक तारीखी रैली है, कोई इसमें शक और शुबा नहीं है। तकरीबन 2 किलोमीटर से जायद और 1 घंटे का 1.5 घंटे का इंतजार करते हुए, कुमार अन्ना का इंतजार 1.5 घंटा टू व्हीलर्स लगा करके, ऑटोज लगा करके, बैंड बाजे के साथ हमारी माएं और बहनें वहां तक पहुंच गई, चल के वहां से आई। तो 4 दिनों में जिस मोहब्बत खुलूस के साथ आपने आपके इस भाई को साथ देने के अजम लेकर के आप आगे बढ़े हैं, मैं सबसे पहले तो आप तमाम लोगों का दिल की अमीक कह रहे हैं उनसे शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सियासी गुफ्तगू बहुत करनी है, बहुत सारे बातचीत करना है। कुमार अन्ना, चूंकि मैंने सोशल मीडिया के जरिए पहले कह दिया था कि 7 बजे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं रुक सकते, मगर 1-2 मिनट ज्यादा रुक गए। उसके बावजूद कुमार अन्ना ने उनके करीबी जो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि बंडा पन्ना आप रुक जाइए, आप मुस्लिम एरिया के अंदर आपकी तकरीर भी चलने वाली है तो यहां पर रुक करके आप जाइए। तो यहां पर मैं आपसे ज्यादा वक्त लेने सियासी हालात पर गुफ्तगू करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। सैयद मदर एडवोकेट साहब ने बहुत सारे इश्यूज के ताल्लुक से आपके बीच में बात रखी है। मौलाना वकार अशरफी साहब शहर के हालात पर, कांग्रेस के कायदीन के कारगर्दियों के ऊपर क्या क्या मामलात आए हैं, यहां पर मैं समझता हूं कि हम लोग जो डाइस पर बैठे हैं उनसे शायद आपको मालूम है, क्योंकि आप सिंपति के नाम पर वोट डालने का खामियाजा सबसे ज्यादा अगर किसी ने भुगता है तो वो आप लोगों ने भुगता है। अड़ंत के मामले में गुलबर्गा शहर के जिले के तारीख में पहली बार हमारी 10 खवातीन माएं और बहनें जेल के सलाखों के पीछे चली गई। एनआरसी का मामला जिसका जिक्र कुमार स्वामी साहब ने कहा, गुलबर्गा वो मरकज था जहां पर जिस दिन राज्यसभा में बिल पास हो रहा था आपका ये भाई बाकर फंक्शन हॉल में तमाम जमात के लोगों को मीटिंग बुलाकर वहां पर मैंने एहतजाज शुरू की, और जिसका जिक्र दिल्ली में कांग्रेस के लीडर्स गुलाम नबी आजाद साहब जैसे कायदीन उसको जो है जिक्र करके वहां पर प्रेस मीट करते हैं, गुलबर्गा बंद करते हैं, मुख्तलिफ खवातीन का जो है एहतजाज होता है, जन आंदोलन होता है, गुलबर्गा बंद किया जाता है, हमें गिरफ्तार किया जाता है। मगर अफसोस हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो एमएलए हैं, असेंबली के अंदर एक लफ्ज उसके ताल्लुक से बात नहीं करते। कोविड के अंदर हम और हमारे साथी
जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, चाहे वो वहाज बाबा हैं, असगर चुलबुल हैं, जो लोग भी हैं, कोविड के लॉकडाउन में रमजान का मुबारक महीना आता, उस रमजान के मुबारक महीने में हम जाकर के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से, कमिश्नर से बात करके ये कहते हैं कि रमजान का ये मुबारक महीना, हमारे मुसलमान रात में सहर करते हैं, दिन भर भूखे रहते हैं, रोजा रहते हैं अल्लाह के लिए, उनको इफ्तार के लिए 2 घंटे की छूट दी जाए, 1 घंटे की छूट दी जाए। 2 घंटे की छूट देती है हुकूमत और उसी 2 घंटे के अंदर तकरीबन 7000 टू व्हीलर्स जहां पर इफ्तार बेचा खरीदा जाता है, वहां पर पुलिस का महकमा वॉलंटियर्स के नाम पर हमारे नौजवानों को पकड़ करके फाइन डालने का काम जो है ये डिपार्टमेंट कर रही थी। आपने उसको भुगता है, आपने मार खाया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए हाहाकार मच रहा है, किसी के वालिद अस्पताल में है, किसी की माँ अस्पताल में है, आपको रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिलता। एमएलए साहब आप बेंगलुरु में बैठी हुई हैं, कौन है आपका पुरसाने हाल? उलमा इकराम जो हमारे अंबिया के वारिस जिनको हम समझते हैं, उनको पुलिस बदतमीजी से सलूक करती है, उनको मारती है। यहां पर जिक्र हुआ एमएलए के भतीजे को मारा जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, वो मार खाते हैं, मार खाने दीजिए, हमें कोई उनसे हमदर्दी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है मैं उनकी हमदर्दी करूं, मगर मैं सियासत में 25 साल से हूं। मेरे मरहूम वालिद उस्ताद सादत हुसैन साहब, जिन्होंने गुलबर्गा नॉर्थ के इस इलेक्शन के अंदर 1978 में उन्होंने कंटेस्ट किया था, 1978 में कंटेस्ट, 350 वोट से उनकी शिकस्त हुई, 350 वोट से वो हारे। जब से लेकर अब तक मुसलसिल मेरे वालिद बुजुर्गवार अल्लाह उनको मगफिरत करे, मुसलसिल तौर पर अवाम की खिदमत करने के लिए वो आए हैं, चाहे वो 1972 के फसादात हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद के फसादात हो, चाहे वो सिमी के अंदर बेगुनाह नौजवानों को जेल में डालने का मामला रहा, मुसलसिल तौर पर वो आवाम के लिए, मिल्लत के लिए, मिल्लत को जब भी तकलीफ है वो अपने आप को पेश करते रहे। मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मेरे वालिद ने वही सीख देकर चले गए, वही सीख देकर चले गए हैं। मुझे कोई डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। यहां जो अवाम बैठी है, आप हमारे हाई कमांड है, आप मेरे लिए हाई कमांड है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि यहां पर बंडा पंडा काशमपुर बैठे हुए हैं, इनके हाई कमांड कौन है? अवाम हाई कमांड है। कुमारना का हाई कमांड कौन है? कर्नाटका की अवाम हाई कमांड है। हमको किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है। किसी मामलात के अंदर मुझे 2 बार इलेक्शन में शिकस्त हुई है, एक इलेक्शन हारना, क्या क्या किस्म की बातचीत होती है, किस तरह की गुफ्तगु होती है। कोई कहता है कि यह जीतने वाला नहीं, कोई कहता है कि नासिर के पास पैसा नहीं, कोई कहता है कि नासिर के साथी छोड़ के चले जा रहे हैं, पार्टी के अंदर उसकी इज्जत कम हो रही है, बढ़ रही है। मैं आपको एक कहना चाहता हूं, नासिर हुसैन उस्ताद सियासत में इज्जत बढ़ाने के लिए, कम कर लेने के लिए नहीं है, सियासत में हूं इस वजह से हूं कि मिल्लत के लिए आवाज उठा सकूं, सियासत में हूं इसलिए हूं कि फिरका परस्त ताकतों का मुकाबला कर सकूं, उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकूं। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए जो गुलबर्गा शहर की जो पहचान है, ख्वाजा बंदे नवाज गैसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जो सीख है, जो पहचान है, तमाम मजहब के लिए है। शरण बसवेश्वर देवस्थान आप आए, यहाँ पर जो दासो आप करते हैं, वहां उस दासो हमें कोई पूछता नहीं कि तू कौन से जात का है। गरीबों को खाना खिलाने की सीख मिलती है। हम चाहते हैं, हमारा मकसद ये है, जब तक हम जिंदा हैं, ना सिर्फ हम जब तक जिंदा हैं बल्कि हमारे आगे आने वाले हमारे बच्चे, उनके बच्चे
हिंदू मुसलमानों में भाइयों की तरह रहे, एक माँ के बेटे बच्चों की तरह रहे। क्या मामला हो रहे हैं? कोई ऐलान करता है कि हम हमारी जामिया मस्जिद के बाहर आकर के माइक निकालेंगे, महबस का मामला, जवरगी का आदमी यहां पर आकर के इतनी जुर्रत करेगा? कौन थे जब आणंद में जाकर के बीजेपी के लोग लाले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अमन का हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम दिया, वहां से हिंदू मुसलमानों को लड़ने की साजिश कर रहे हैं। दंगे होते हैं, टीवी चैनल्स खोल के देखिए, टीवी चैनल्स खोल के देखिए, एक ही मामला चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ मुसलसिल तौर पर बयानात दिए जा रहे हैं। मुसलमानों को एक ऐसा से कम तरी में डालने के लिए मुसलसिल तौर पर ये मामला हो रहे हैं। आज एमएलए कौन है, कल एमएलए कौन था, आगे कौन बनने वाला है, इसको निकाल के रख दो, आप निकाल के रख दीजिए इस चीज को। हमारा मुकाबला एमएलए के कुर्सी के लिए नहीं है, एमएलए कुर्सी की हमारा मुकाबला नहीं है, हमारी सोच नहीं है। हम सियासत में एमएलए बनने के लिए नहीं ठहरे हुए हैं, हमारी सोच उससे कहीं ज्यादा है, उससे कहीं ऊंची है। हमारी सोच ये है कि हम इन फिरका परस्त ताकतों को, हमारे आगे आने वाली नस्लों को, हमारे बच्चों को, हमारे पोतों को, हमारे परपोतों को हिंदुस्तान में जीना है, यह मुल्क हमारा है, हिंदुस्तान को आजाद करने वाले हम हैं, हिंदुस्तान के लिए कुर्बानी देने वाले हम हैं। आज हम पे तुम बात करते हो, हमके खिलाफ उंगली उठाते हो। हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, क्या है? कोई हमारा मालक बनता है, कोई हमारा सेठ बनता है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। आरएसएस की सोच के साथ मुसलसिल लड़ाई हमारी होनी चाहिए, मुसलसिल तौर पर आरएसएस की जहनियत के खिलाफ हमको लड़ना है। हमारे वोट सीट बचाने के लिए मत दीजिए। मैं एक कैंडिडेट हूं, मैं आपके सामने कह रहा हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अल्लाह के वास्ते आपको, अल्लाह के वास्ते सीट बचाने के लिए वोट मत दीजिए। आपका वोट फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ लड़ने वाले के लिए दीजिए, अपनी आवाज को बुलंद करने वाले के लिए दीजिए। क्या होगा, कांग्रेस जीतेगी, क्या होगा, बीजेपी जीतेगी, डरने की जरूरत नहीं। कौन है आज एमएलए? कांग्रेस है, मुसलमान है, बताइए आप। इन चार सालों में कभी आपको महसूस हुआ है कि यहां पर गुलबर्गा से एक मुस्लिम एमएलए है, कांग्रेस का एमएलए है? जब भी वक्त आया, जब भी हम पे दबाव डाला गया, कोई भी आवाज उठने वाली नहीं। हम करेंगे, क्या करेंगे? बड़े साहब से बात करेंगे, छोटे साहब से बात करेंगे, हम एक मशावरती मीटिंग करेंगे। मैं फोन करूंगी, नहीं होने वाला भाई, नहीं होने वाला। आपके दिल में मोहब्बत है, रखिए किसी लीडर के साथ, रखिए। इस जबूरी निजाम में अपनी वोट की अहमियत को समझिए, अपनी वोट की अहमियत को समझिए। ये डर कर वोट डालना, अरे वो हमारे साहब बोले इसलिए वोट डाल रहे, हमारे कारपोरेटर साहब बोले वोट डाल रहे, कारपोरेटर को वोट डाले, खत्म हो गया मामला, कारपोरेटर को जिता दिए। ये वोट कर्नाटका के फिरका परस्त ताकतों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वोट डालना है। आपके लिए, आपके लिए। ये भाई मुसलसिल तौर पर दो इलेक्शन हारा हूं, मगर कभी हिम्मत नहीं हारा हूं। ये तीसरे इलेक्शन के लिए मैं आपसे इजाजत लेने के लिए यहां पर खड़ा हुआ हूं।
मुझे इजाजत आपकी चाहिए। मेरे मरहूम वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। दो इलेक्शन हारने के बाद उनकी जो हिम्मत थी मेरे लिए, मेरा पैसे का नुकसान हुआ, मेरी प्रॉपर्टी मैं बेचा हूं, हर चीज बेच करके दांव पर लगा करके मैं खड़ा हुआ, मगर आज मैं आपसे इंसाफ मांगता हूं। आप मुझे बोलिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सीट बचाना है तो नासिर हुसैन उस्ताद इलेक्शन नहीं खड़ा रहने वाला है। आगे भी कोई मुसलमानों के बीच से मिल्लत की आवाज बनकर, मिल्लत की तड़प लेकर के लड़ करके सियासत में कुर्सी नहीं तैयार हासिल कर सकता। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे वालिद ने मुझे कहा, नासिर तुझे चमचागिरी करने के लिए सियासत में नहीं छोड़ा हूं, लड़ना अवाम के लिए लड़ना, गरीबों के लिए लड़ना, मिल्लत के लिए लड़ना, दलितों के लिए लड़ना, पिछड़ों के लिए लड़ना, जस्टिस के लिए लड़ना। दो बार इलेक्शन हारा हूं, तीसरी बार के लिए आगे बढ़ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस बार भी मैं इलेक्शन हारूंगा, अगर मेरा बेटा, अगर मदर भाई का बेटा, आपका नौजवान कोई बच्चा आकर के मुझे बोलेगा कि नासिर अंकल, नासिर साहब सियासत में मुझे जाना है, तो मैं उसे क्या सीख दूं, क्या सीख दूं उसे? आप जाकर के सियासी लीडर की चमचागिरी करो, आप जाकर के उस पार्टी का वोट बैंक है उस पार्टी में रहो। बोलो बेटा, पैसे की जरूरत होती, मिल्लत पैसे पे बिकने वाली, पहले पैसे कमा बाद में देख। बोलूं मुझे जवाब दीजिए आप, दो बार आ रहा हूं, तीसरी बार फिर आपके साथ में हूं। मुसलसिल 5 साल किसी इशू के अंदर, किसी मसले के अंदर आपको लगता है कि नासिर हुसैन उस्ताद की आंखों में खौफ नजर आया है, नासिर हुसैन उस्ताद के मिजाज में चमचागिरी नजर आई है, तो बोल देना। आज ऐलान करता हूं, मैं सियासत में ना मैं रहूंगा, मेरे ना आने वाले कोई बच्चे रहेंगे, ये मैं ऐलान करूंगा। सियासत चमचागिरी इक्तदार हासिल करने का नहीं है। जेजेपी से था मैं कैंडिडेट, येडियुरप्पा साहब 1 साल तक बुलाए, यल्लिदेरी जनता दल गुलबर्ग बा, बीजेपी नग बा, राजस्थान दल सेरता इधर है, मंड्य दल सेरता इधर है, निन एमएलसी मारती बोले, आपका भाई कुर्सी के लिए आजा नासिर कहां पर है? जनता दल वोट बैंक कहां है उसका? क्यों परेशान हो रहा है? बीजेपी आजा, तेरे को मैं एमएलसी बनाऊंगा, तेरे को मिनिस्टर बनाऊंगा। खमरू इस्लाम साहब हैं, जीतने का तो मुश्किल, जब हयात में थे, जब मैं कमजोर नहीं हुआ, जब मैं उस कुर्सी के आस में अपने सर को झुकाने का, कॉम्प्रोमाइज करने का काम नहीं किया हूं, इस उम्मीद के साथ कि हमारी मिल्लत को समझ में जब आएगा, पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ मेरा साथ देंगे। आज वो वक्त आया है, आज वो वक्त आया है। इलेक्शन किसी लीडर को खुश करने के लिए, अगर आप किसी पार्टी के खुश करने के लिए अगर आप चाहते हैं, तो याद रखिए, आगे आने वाले नौजवान नस्लों में से कोई भी सियासत जो है मिल्लत का दर्द लेके आगे नहीं बढ़ने वाला। आज कुमार अन्ना ने मुझे टाइम दिया, उनका पंचरत्न प्रोग्राम अवाम के लिए है, वो आप तमाम लोगों को मालूम, कुमार अन्ना एक वाहिद ऐसी ताकत, यही कांग्रेस हिजाब के मामले में खामोश। सबसे पहले कर्नाटका में बयान मैं दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट, इजाजत नहीं लिए, किसकी भी इजाजत नहीं लिए, बना पना देके बहुत जबरदस्त दिए, बोले कुमार अन्ना वेरी गुड बोले। एनआरसी के अंदर एहतजाज के लिए गए, परमिशन लेके गए, अल्लाह की कसम, ना कुमार अन्ना की परमिशन लिए, ना बंडा पन्ना की परमिशन लिए, मगर जब जन आंदोलन हुआ,
आईजी ऑफिस में बैठे हुए फोन किसका आता? कुमार अन्ना का। वेरी गुड, ना से डरने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। आए थे नहीं यहाँ पर आईजी के अंदर स्ट्राइक, वो तो मीटिंग के लिए आए थे पंडित। ये जो जन आंदोलन का जो 4-5 लाख का जो मजमा जो जमा हुआ था वहां पर आप आए थे। गुलबर्गा बंद करने के बाद आलोक कुमार आईजी मीटिंग लिए पीस के लिए वहां पे बैठे हुए हैं। कुमार अन्ना फोन करके डोंट नीड टू वरी, वी आर विथ यू। ये तड़प जिसके पास है वही सेक्युलर हो सकता है। मुझमें तड़प है इसका एहसास आपको है? आपको ये लगता है कि नासिर हुसैन उस्ताद एहसास वाला है, मिल्लत की तकलीफ को समझ सकता है, मिल्लत के खिलाफ के जो फिरका परस्त ताकतें हैं उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है? तो मुझे आपका इशारा चाहिए, आपका साथ चाहिए। एक लड़ाई में लड़ना चाहता हूं। आज बहुत वक्त हो गया बंडा पन्ना को मैं रुकाया हूं, बहुत मामला रहेगा इंशाल्लाह। मैं आखिर में एक शेर कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगा। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मर जाओ, मुंतशिर हो तो मर जाओ, रोते क्यों हो।